हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रुतबा खान किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ भिंडी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहाँ मैंने ले ली है 500 ग्राम भिंडी और इसको हमने वॉश कर लिया है और इस तरह से कट कर लिए। तो पहले हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो हमने ले लिया एक पैन और इसमें डालेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ और 4 लाल मिर्च साबुत, और इसको करेंगे हम ड्राई रोस्ट। और हमने ले लिए 2 प्याज मीडियम साइज़ के। इस तरह से इसको हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है और 6-7 हमने हरी मिर्च ले लिए और हरी मिर्च को भी कट कर लिया है। तो हमने मसालों को ड्राई रोस्ट कर लिया है और इसको हम एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। तो ये हमने पाउडर बना लिया है। अब रख लिया हमने एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे हम ऑयल, 1 बड़ा चम्मच भरकर ऑयल डाल देंगे और इसको अच्छा गरम कर लेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है तो अब हम डाल देंगे प्याज और प्याज को हमें करना है गोल्डन फ्राई। और इसी के साथ डालेंगे हम इसमें लहसुन, ये हमने 4 कलियां लहसुन की ले ली हैं और कट कर लिए हैं, इसको भी डाल देंगे। और दोनों चीज़ों को हमें हल्का सा गोल्डन फ्राई करना है। इसका भिंडी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए, प्याज हमारी हल्की सी ब्राउन हो चुकी है और अब इसमें हम भिंडी ऐड कर देंगे। और अब डाल देंगे हम हरी मिर्च और मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने स्लो टू मीडियम रखा है। और अब इसमें हम मसाला ऐड कर लेंगे। हमने जो ये दरदरा सा मसाला बनाया था वो डाल लेंगे और नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 चम्मच आमचूर पाउडर ऐड कर देंगे और 3 चम्मच ले लिया हमने दही। हमें इसमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो दही है वो अपना पानी ऑलरेडी रिलीज़ करेगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही डालने से ये एकदम खिली खिली बनेंगी। और अब इसको हम कवर कर देंगे, स्लो फ्लेम पर पकाएंगे लगभग 15 से 20 मिनट तक। तो ये हमारे 20 मिनट हो चुके हैं और हमने खोल कर देख लिया है और चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसका पानी सारा सूख चुका है, भिंडी अभी गल चुकी है। थोड़ा हाई फ्लेम कर हम इसको और भूनेंगे क्योंकि भूनने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये भिंडी हमारी तैयार हो चुकी है, फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और अब कर लेते हैं सर्व। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी? रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।